हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? तो चलिए, और आपको बेहतर बनाने के लिए केमिस्ट्री का एक और बेहतरीन टॉपिक मैं आज आपको पढ़ाता हूँ। आज का हम लोग का टॉपिक है अरहेनियस इक्वेशन। अरहेनियस इक्वेशन, क्या है अरहेनियस इक्वेशन? तो आपको पहले से पता है कि जब ताप बढ़ाते हैं अभिक्रिया का, तो वेग बढ़ जाता है, या कि एक वेग नियतांक बढ़ जाता है। मतलब आप यूं समझिए कि कोई टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया किसी रिएक्शन का, तो इस अभिक्रिया का जो वेग है या जो वेग नियतांक है, वो भी बढ़ जाएगा ना। तो अब बताइए कि कितना टेम्परेचर बढ़ाएं तो अभिक्रिया का वेग कितना बढ़ेगा। हाँ, समान तौर पे हम लोग कहते हैं कि ताप में अगर 10 डिग्री सी की वृद्धि कर दी जाए तो अभिक्रिया का वेग लगभग दोगुना बढ़ जाता है। लेकिन ये लगभग दोगुना बढ़ जाता है या तीन गुना बढ़ जाता है, उसकी सही सही जो कैलकुलेशन है, ताप और ये देखिए टेम्परेचर हो गया और ये जो वेग नियतांक हो गया, इस दोनों के बीच का जो मात्रात्मक संबंध है, उसी संबंध का अध्ययन किया किसने? अरहेनियस ने। और एक इक्वेशन दिया जिसको आज दुनिया अरहेनियस के समीकरण के नाम से जानती है। और आपका और मेरा सौभाग्य है कि आज हम राजू उसका अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए, क्या है अरहेनियस समीकरण, इसको समझते हैं। अच्छा, एक बात और बता दें कि अरहेनियस समीकरण का डेरिवेशन कैसे हुआ, ये हमें नहीं जानना है। अरहेनियस समीकरण लिखेंगे, उसको विस्तृत करना है, फिर उस पर सवाल हल करने, मैंने उसके उपयोग देखना है कि कैसे आप विभिन्न ताप पर किसी अभिक्रिया का जो वेग नियतांक है वो कैसे निकाल लेंगे। तो आइए समझते हैं। अरहेनियस ने कहा कि अभिक्रिया का जो वेग नियतांक है के, वो समानुपाती होता है ई के पावर माइनस ई ए बटा आरटी। आप बचपन से जानते हैं कि जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाइएगा तो एक नियतांक लगा दीजिएगा। बहुत छोटे थे तब से आप जानते हैं, तो ये वही काम कर देते हैं, यहां पर कोई बड़ी बात नहीं है। तो के इक्वल टू अरहेनियस, ए से शुरू होता है ना, देखिए ध्यान से, इसलिए ये है ये, और ई के पावर माइनस ए बटा आरटी। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, मैं टीचर हूं ना, समझ रहा हूं, मैं आपके बिना बोले ही बता रहा हूं कि आपके मन में क्या आ रहा है। आप देखिए, जहां के को तो आप जानते हैं ना बहुत पहले से, इसका नाम है वेग नियतांक। अच्छा, ए जो है इसका नाम है अरहेनियस फैक्टर, अरहेनियस गुणक, अरहेनियस गुणक कहते हैं, अरहेनियस फैक्टर। ये जो इसको एक और भी नाम से जानते हैं, हम चाह रहे कि उसको भी लिख दिया जाए, इसको हम लोग कहते हैं अरहेनियस आवृत्ति, अरहेनियस फ्रीक्वेंसी, अरहेनियस आवृत्ति, अरहेनियस फ्रीक्वेंसी। इसको प्यार से लोग पूर्व चर घातांकी गुणक भी कहते हैं, तो वो लिख देते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रहेगा आपके लिए उतनी अच्छी बात है ना। पूर्व चर घातांकी गुणक, ये तो एक्सपोनेंट है, माइनस माइनस है, ये जो है क्या है, ध्यान दीजिएगा, ए से एक्टिवेशन, स्मॉल एक्टिवेशन, ई से एनर्जी, इसका नाम है वास्तव में एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा। आर क्या है, तो बहुत पहले से आप पीवी बराबर एनआरटी वाला सूत्र जानते हैं, आपको याद है ना, आर गैस नियतांक है, क्यों भाई, सब ठीक ठाक है ना, तो यह है गैस नियतांक, आर जो है गैस नियतांक। किसी तरह का कोई टेंशन हो, तनाव हो, कोई समस्या से जूझ रहे हो, एक बार किताब के सामने बैठ जाओ, सारा तनाव टेंशन दूर हो जाएगा।
याद रखना, ये बहुत बड़ी बात है। और टी क्या है, ये तो बहुत छोटे से जानते हो, टेम्परेचर, ताप। लेकिन ध्यान रखिएगा एक बात, ये तो ताप है ना, ये कैलविन में है, टेम्परेचर इन कैलविन मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ये हो गया टेम्परेचर, मैं लिख देता हूँ ये ब्रैकेट में कैलविन में। ये सब तो ठीक है, आपके मन में एक और गहरा प्रश्न हो रहा है, ईए सक्रियण ऊर्जा। मैं इसके बारे में कुछ आपसे बात करना चाहूंगा कि सक्रियण ऊर्जा क्या है। तो सक्रियण ऊर्जा को समझने के लिए देखिए, आप जो कोलिजन थ्योरी है, संघात का सिद्धांत, तो क्या कहता है कि प्रतिकारक कण आपस में टकराएंगे तो टकराने से प्रतिफल बनेगा। ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक टक्कर से, मैं नोटवर्थी पॉइंट बोल रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, प्रत्येक टक्कर से प्रतिफल नहीं बनता। प्रतिफल बनने के लिए जो टक्कर है ना, उसको प्रभावी होना चाहिए। कल्पना करिए कि हमारे पास एक हथौड़ा है और एक पत्थर है। मैंने हथौड़ा मारा तो कोई जरूरी है पत्थर टूटेगा नहीं, टूट भी सकता है और न भी टूट सकता है। तो इतना हमारा प्रहार होना चाहिए प्रबल कि पत्थर टूट जाए। अगर प्रबल नहीं होगा तो पत्थर नहीं टूटेगा। तो कह रहा है कि प्रत्येक टक्कर से जितनी बार टकराएं, कोई जरूरी नहीं है कि प्रतिकारक अणु प्रतिफल में बदल जाए। वो टक्कर कैसे होने चाहिए, प्रभावी होने चाहिए, इफेक्टिव होने चाहिए। तो प्रभावी टक्कर के लिए ऊर्जा भी तो होना चाहिए। मैं धीरे से टुक टुक हथौड़ा मारूंगा तो पत्थर थोड़ी नहीं टूटेगा, मारना होगा पूरा दम लगा के। तो कह रहा कि टक्कर प्रभावी होने के लिए एनर्जी भी तो चाहिए। अब देह में जाने नहीं है, आज चल दिए पत्थर तोड़े, थोड़ी टूटेगा। तो ऊर्जा, ऊर्जा इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि एक प्रभावी ऊर्जा होना चाहिए, प्रभावी टक्कर के लिए एनर्जी एक लेवल होनी चाहिए। तो वही जो है ना, यहाँ पर सक्रियण ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, मुझे यकीन है कि आप इसे समझ जाइएगा कि सक्रियण ऊर्जा क्या है। ये एनर्जी है, ये जो है आपका एनर्जी है, ऊपर की तरफ जा रहा है एनर्जी। कोई प्रतिकारक के अणु है मान लीजिए यहाँ पर, तो प्रतिकारक के अणु में ऑलरेडी कुछ ना कुछ ऊर्जा है, रहेगा ही रहेगा। तो अब देखिए, ये जो रिएक्टेंट है और इसकी ऊर्जा को हम लोग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मैंने ER कह दिए, प्रतिकारक की ऊर्जा। जितनी ऊर्जा है ये प्रतिफल में बनने के लायक नहीं है। तो हमने क्या कि इसको गर्म किया, गर्म किया तो थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, और एक ऐसा वक्त आया कि अब क्या हो गया, ये प्रतिफल में बदल गया। मैंने समझिए कहा थोड़ा धीरे से मारे, नहीं टूटा, और तेज, अभी भी नहीं टूटा, और तेज, अभी भी नहीं टूटा, मारे एक बार दे दहा टूट गया। तो कह रहा है कि इसकी ऊर्जा बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए, एक ऐसा वक्त आएगा कि ये तुरंत प्रतिफल में बदल जाएगा। तो देखिए कैसे हो रहा है, ये आ गया आपका, ये हो गया प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में भी तो कुछ ऊर्जा होगा ना, तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट हो गया। अब देखिए, ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट था और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। आपको जानना होगा कि जहां से ये जितनी ऊर्जा प्राप्त करके ये प्रतिकारक के अणु प्रतिफल में बदल गए ना, इसको कहा जाता है देहली, देहली ऊर्जा ही है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी, यह है थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब देखिए, प्रतिकारक के अणु के पास इतनी ऊर्जा नहीं थी कि वो प्रतिफल में बदले। आपने ऊर्जा देना शुरू किया, देना शुरू किया, बढ़ते बढ़ते वो देहली ऊर्जा के पास चला गया। और ये जितना ऊर्जा आपने दिया बाहर से, ये सारा ऊर्जा तो आपने अभी दिया ना गर्म करके, इसी ऊर्जा का नाम है सक्रियण ऊर्जा। जिसको आप ईए नाम दे रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो आप समझ गए, प्रतिकारक के अणु को बाहर से दिया जाने वाला वह ऊर्जा जिससे उसकी ऊर्जा बढ़ के कितना हो जाए, देहली ऊर्जा के बराबर हो जाए। ये देहली ऊर्जा, और देहली ऊर्जा के बाद क्या होता है, प्रतिकारक किसमें बदल जाते हैं, प्रतिफल में। तो आप कह सकते हैं कि वह अतिरिक्त ऊर्जा की मात्रा जो प्रतिकारक के अणु को दिया जाता है, जिससे उसकी ऊर्जा बढ़ के, प्रतिकारक का ऊर्जा बढ़ के कितना हो गया, देहली ऊर्जा के बराबर। तो इसका नाम हो जाएगा, इतना जो ऊर्जा है ना, ये जो आपने दिया अभी, ऊर्जा इतना था, बढ़ के इतना हो गया, तो यही सी ऊर्जा का नाम क्या है, सक्रियण ऊर्जा। हाँ, और ऊर्जा के इस लेवल को देहली ऊर्जा कहते, याद रखिएगा। मतलब प्रतिकारक अणु जब देहली ऊर्जा के पास जाते हैं ना, तो बदल जाते हैं किस में, प्रतिफल में। और इस तरह से ये हो गया सक्रियण ऊर्जा, आप इसे नोट करिए। और हमारा तो टारगेट तो क्या है, अरहेनियस समीकरण है ना, देखते हैं कि क्या है अरहेनियस समीकरण। हाँ, तो आइए स्टूडेंट्स समझते हैं, ये है आपका अरहेनियस समीकरण।
तो क्या इतना ही से काम हो गया? नहीं नहीं, इसको और विस्तृत करेंगे, इतना विस्तृत करेंगे कि विभिन्न प्रकार के सवालों को हल कर सकें। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि दोनों ओर लॉग लेते हैं, दोनों ओर हमने लिया ln, ln माने नेचुरल लॉग। देखो क्या पढ़ोगे, नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग का मतलब होता है वह लॉग जिसका बेस जो है e होता है ln लेने पर। तो जैसे दोनों तरफ वर्ग करते हो ना, उसी तरह से दोनों तरफ क्या ले लिया, ln ले लिए और कुछ नहीं। तो देखो क्या हो रहा है, ये क्या हो गया बोलिए, ln k इक्वल टू ln a और ये है माइनस ई ए के पावर आर टी। यहां से आपको स्टूडेंट्स एक दो फार्मूला मुझे यकीन है कि पहले से आपको याद होगा, याद होना चाहिए आपको, लॉग ए इंटू बी बराबर क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, सब जानते हो ना। तो देखो तो ध्यान से, एलेन ए क्या ये a इंटू बी के फॉर्मेट में है, तो तोड़ दीजिए, इसमें आपका क्या जाता है, ln a प्लस ln b, तो ln b माने ln e के पावर माइनस ये बटा rt। अब आगे आइए, आगे मतलब आप वही रहिए और समझिए, माने दिमाग से आगे आइए, ये कहने का मतलब। एक और सूत्र, log a के पावर x इक्वल टू x log a, आपको पता चल गया होगा ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख दिया हमने ln k इक्वल टू ln a, और देखिए ln e के पावर है x, माने वही e के और माइनस ए बटा rt, तो माइनस ये चिन्ह पूरा आ जाएगा ना, ए बटा rt, और यहाँ बच गया ln e। आपको एक और चीज़ याद रखना होगा, आप बोलेंगे कितना याद रखना है, अरे ये सूत्र तो सब बचपन में हमने पढ़ा है, पढ़े हो कि नहीं, अरे पढ़े हो और नहीं जानते सूत्र है, याद कर लो, कौन बड़ी बात है। तो ln e का मान वन होता है, तो ln k ln a माइनस ये बटा rt, ये तो मान वन हो गया ना, और यही हो गया अर्हेनियस समीकरण। इसी के लिए मैं इतनी इसकी तारीफ की पुल बांधे जा रहा था, एक्चुअली अब उसको और आगे बढ़ाएंगे, अभी हमें सवाल बनाने योग्य बनाना है। ये भी एक इक्वेशन हुआ, इससे भी सवाल बनेगा, इसका भी ग्राफ खींचे जाएंगे। अब देखिए क्या करते हैं, आपने कहा कि ताप टेम्परेचर और ये के दोनों बदलते हैं, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के बढ़ेगा, और बढ़ाओगे और बढ़ेगा, और बढ़ाओ और बढ़ेगा, और बढ़ाओ और बढ़ेगा। तो क्या करते हैं, मान लेते हैं, एक रिलेशन देखने की कोशिश करते हैं कि जब टी ने कहा कि भाई हम टी वन हो गए, तो तुरंत फट से बोलेगा के कि तब हम वो के वन हो गए, और टी बोलेंगे ना हम तो बढ़ के टी टू हो गए, तब भाई कहा बोलेगा के वो आपका, बोलेगा हम तो के टू हो गए। आप टी जब बोलेंगे हम टी थ्री हो गए, तो ये बोलेगा हम के थ्री हो गए, क्योंकि जैसे ये बढ़ेंगे ये बढ़ जाएगा, ताप बढ़ाने से बेगिस्तरांग बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ऐसा देखते हैं इससे क्या रिलेशन निकलता है हमको, तो इसी समीकरण को देखिए, एलन के को हमने के वन किया, कब, जब हो जाएगा ये एलन ए माइनस ये बटा आर टी वन, जैसे ही t से t1 हुआ, बस k से क्या हो गया, k1 हो गया। आप इसको समीकरण एक मान लीजिए, ln, ये भी बहुत महत्वपूर्ण समीकरण है। अब देखिए ये ln a माइनस ये बटा, ये कहता है कि r हम t2 हो गए जी, तो ये क्या कहता है हम k2 हो गए जी, तो ये है समीकरण दो, दो में से एक घटा लेते हैं, ये बचपन की बात है, आपको बहुत मजा आने वाला है, आप घटाए हैं ना बचपन में बहुत बार, तो सेकंड माइनस वन से, और थोड़ा सा और मजे लेते हैं हम लोग, बहुत दिनों के बाद कैलकुलेशन मिला हुआ है, पहले लिखते हैं नहीं, ऊपर नीचे लिखते थे, चिन्ह बदलते थे, घटाते थे, नहीं तो इसे सिंपली घटा ले सकते हैं, लेकिन मैं घटाना चाहता हूँ लिख कर, ln k2, चूँकि पढ़ाई का मतलब भी थोड़ा सा मज़ा भी आए, माइनस ये बटा आर टी टू, चलो मन ही मन घटाओ सब, ln k1, ln k, सॉरी ln k1, ln a माइनस ई ए बटा आर टी वन। अब मन ही मन कैसे घटाया जाएगा, चौकी गड़बड़ है, यहाँ पर साइन बदलते हैं, माइनस
माइनस माइनस, याद है ना, आपको ऐसे ही करते थे ना। तो ये क्या होगा बोलिए, एल एन के टू माइनस हो गया एल एन के वन। और सबसे मजेदार बात क्या, याद है आप स्टूडेंट्स, बचपनों के काटने में बड़ा मजा आता था, ये माइनस ये प्लस कस कट गया। अब देखिए ये है प्लस ये है माइनस, तो पहले प्लस वाले को लिख देते हैं, ये बटा आर टी वन माइनस ये बटा आर टी टू। अच्छा, अब एक और सूत्र, क्या आपको याद है लॉग ए माइनस लॉग बी किसके बराबर होता है? बिल्कुल याद होगा ही होगा सभी हमारे स्टूडेंट्स को, लॉग ए बाई बी। तो लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी, बोलो जल्दी से क्या हुआ? तो हो गया ये एल एन के टू बटा के वन इक्वल टू ए बाई आर, कमन ले लो तो ये कितना हो गया, वन बाई टी वन माइनस वन बाई टी टू। तो ये हो गया आपका एल एन के टू बटा के वन। देखिए तो स्टूडेंट्स इतना हो जाएगा क्या, घुसाइएगा नहीं ना, इतना लिख दूं तो टी टू माइनस टी वन बटा टी वन इंटू टी टू, ये टी टू है क्या, बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आपके पास एल एन टेबल तो है नहीं, आपके पास तो क्या है, लॉग टेबल है। तो इस एल एन को लॉग बदल देते हैं, और याद है आपको सूत्र, एल एन को लॉग में बदलना है तो 2.303 लॉग करना होगा। तो हो गया, सिंपली कर लेते हैं। इसमें हम लोग का क्या जाता है, एल एन के जगह पर लिख दिया हमने 2.303 लॉग, और इधर तो कुछ करना नहीं है, ई ए बटा आर टी टू माइनस टी वन टी वन टी टू। क्यों भाई किट्टू, अच्छा है कि आपका नाम होता बिट्टू। तो ये हो गया लॉग बटा 2.303, इधर से मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड कर दिए, 2.303 आर टी टू टी वन टी वन टी टू। बस उस सॉरी, यहाँ पर लॉग हमें क्या लिखना था, छूट गया है, माफ़ी चाहेंगे हम, के टू बटा के वन इक्वल टू था ये के टू बटा के वन हो गया। तो फाइनली आपने ये हो गया लॉग के टू बटा के वन इक्वल टू ये बटा 2.303 आर टी टू माइनस टी वन टी वन टी टू। यही वो अरहेनियस का समीकरण है जिसका हमें था इंतजार, आपको भी हो रहा होगा, हो सकता है इसका ना रहा हो, किसी और का रहा हो, हमें इसी का इंतजार था। अब पर इसको नोट करिए और फिर इसके बाद इसको ग्राफ के रूप में व्यक्त करते हैं, फिर इस पर सवाल बनाते हैं और तब देखते हैं इसमें मजा आता है आपको कि नहीं। तो अब नोट तो करिए पहले। अब भैया स्टूडेंट्स, हम लोग अरहेनियस समीकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पे पहुंच गए हैं, यहाँ आपको मजा आना चाहिए। ये अरहेनियस इक्वेशन हम चाहते हैं इसको ग्राफ के रूप में व्यक्त कर दें, और आपको याद है ना मैंने आपको ग्राफ के लिए एक वीडियो बनाया था कि कैसे सरल जो रेखा का जो ग्राफ होता है उसे कैसे खींचते हैं वाई बराबर एम एक्स प्लस सी का। तो आप पढ़ लीजिएगा अगर आपको किसी तरह की यहाँ पर दिक्कत होती है। तो देखो ये है के और यह है टी, टी बदलोगे के बदलेगा, टी बदलोगे के बदलेगा, टी बदलोगे के बदलेगा ही बदलेगा। इसका मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के साथ बदलते हैं, और लेकिन ए तो कांस्टेंट है। तो हमने क्या किया, बड़ी ही बुद्धिमानी से, हाँ भाई बुद्धिमानी से ही, इसको माइनस ई ए बटा आर वन बाई टी आप प्लस एल एन ए लिख दिया। क्यों, आपकी कोई नाराजगी तो नहीं है ना, लेकिन आप जानना तो चाहेंगे ना कि क्यों ऐसे लिख दिया। अरे भाई ये कांस्टेंट है, हमारे दिमाग में कुछ चल रहा है, मेरे दिमाग में वाई बराबर एम एक्स प्लस सी चल रहा है एक्चुअली। तो देखिए आपका, देखिए ये काम हो गया, वाई एम एक्स और ये सी, और वाई बराबर एम एक्स प्लस सी के लिए ग्राफ बहुत ही आसान, बहुत ही मजेदार। ये है वाई, वाई की जगह पर लिख देते हैं यहां पर एल एन के, एक्स के जगह पर वन बाई टी, सी के जगह पर
एल एन ए। अब एम का मान नेगेटिव है, तो जब एम का मान नेगेटिव तो ग्राफ नीचे, अगर पॉजिटिव रहता तो ग्राफ ऊपर, तो नीचे कर दो, हो गया। आप चाहे तो लिख सकते हैं यहां पर टैन थीटा माइनस ई ए बाई आर, कोई जरूरी नहीं, टैन थीटा डायरेक्ट भी ई ए बाई आर आप लिख सकते हैं। अब एक छोटा सा और, हम इसको लॉग में बदलना चाहते हैं और तब ग्राफ खींचना चाहते हैं, तो बदल लो मेरे दोस्त, इसको लॉग करो 2.303 लॉग के इक्वल टू 2.303 लॉग ए माइनस ये बटा आर टी, एक बार देख लो। अरे कुछ नहीं, एल एन को लॉग बदलने के लिए, अभी तो आपको मैंने कहा कि एल एन इक्वल टू 2.303 लॉग होता है, तो हमने कुछ नहीं किया, लिख दिया केवल लॉग ए के हो गया, फिर लॉग ए हो गया। अब क्या करते हैं, ये दोनों तरफ ना थोड़ा सा ये भद्दा लग रहा है, इसको हटा देते हैं, तो लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस ए बटा, क्यों मेरे मैथमेटिशियन स्टूडेंट्स बोलो, सब ठीक ठाक बढ़िया। चलो अब क्या किया जाए, एक बार फिर वही चीज, आप लॉग के इसको लिखो माइनस ये बटा, ये भी तो कांस्टेंट है 2.303 आर के साथ साथ, 1/t और प्लस लॉग ए, कोई समस्या, सब बढ़िया। तो ये देखो ये वाई एक्स सॉरी एम एक्स और सी, फिर आगे वही ना उसी मोड पर जहाँ से हम तुम चले थे, लॉग हो गया के, ये 1/t है अभी भी, और इस बार सी जो है कितना है वो भी लॉग ए है, और ये माइनस में अभी भी, तो ग्राफ गया नीचे। और इस बार आप चाहें तो लिख सकते हैं टैन थीटा माइनस ये बटा 2.303 आर, कितना सिंपल कितना प्यारा। आप चाहें तो इसका भी ग्राफ खींच सकते हैं, अभी जो लास्ट में जो लिखे थे ना समीकरण सबसे, जो जिसमें टी वन टू टू टी टू आया था, उस फॉर्मेट में लिख दीजिए, अथवा माइनस ये बटा आर टी। हम चाहते हैं कि आप इसका ग्राफ खींचें और देखें कि इसका ग्राफ कैसे होता है, इतना को नोट करिए, फिर इस पे हम लोग क्वेश्चन बना के देखते हैं इसकी उपयोगिता क्या है। आई स्टूडेंट्स, अरहेनियस के जो समीकरण आपने पढ़ा उसकी और बातों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, और इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन बनाते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 26 है। ये क्वेश्चन दिया है हाइड्रोकार्बन का विघटन निम्न समीकरण से हो रहा है, यही समीकरण दिया गया है, तो आपको ईए का मान निकालना है, बहुत आसान है, बहुत आसान। आपको याद, मैं आपको बता दूं कि एक बार की बात है कि अपने क्लास में मैं पढ़ा रहा था और ये क्वेश्चन दे दिया होमवर्क के रूप में स्टूडेंट्स को, और मैंने ये कह दिया था कि भाई देखो एकदम चुटकी बजा के हल हो जाएगा। एक नेक्स्ट डे कल होकर एक विद्यार्थी आया पूरा हाँफते हाँफते, बोला कि सर मैंने बहुत चुटकी बजा और नहीं हल हुआ। मुझे बड़ा हंसी आया, मैंने उसके सामने नहीं आता, लेकिन मुझे बहुत लगे सर बहुत चुटकी बजा। हद तो तब हो गई जब उसने कहा कि सर आप यकीन करिए हमारे पूरे घर के लोगों ने चुटकी बजा और नहीं हल हुआ। तो मेरे भाई चुटकी बजा के हल हो जाएगा, लेकिन चुटकी बजाने का ऐसा मतलब मत निकालिएगा आप कि चुटकी बजाते रहे थक जाएं। देखो कितना आसान है, रियली चुटकी बजा के हल किया जा सकता है इसको। आपको जानना होगा कि चूंकि हम जानते हैं के इक्वल टू ए ई के पावर ए बाई आर टी, इसको समीकरण एक नाम दीजिए, और जो ये समीकरण आपको दिया गया है क्वेश्चन में उसको दो देते हैं, के इक्वल टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4.5 × 10⁻¹⁷ सेकेंड माइनस 1 ए 2800 केल्विन बाई टेम्परेचर, इसको समीकरण दो देते हैं। हाँ चलिए, तो मैथ के थोड़ा से मजे लिए जाए, समीकरण एक और दो को तुलना करने पर, समीकरण एक एवं दो का
तुलना करने पर, कर दीजिए। तो के और के तो बराबर हो गया, खत्म कहानी। बताओ स्टूडेंट्स, ए इक्वल टू, बोलो। अरे यार रियली चुटकी बजा के देखो, ये के बराबर हुआ। तो ए तो यहाँ है ना, यही तो ए के स्थान पे है। तो ए इक्वल टू 4.5 10 टू पावर 11 सेकेंड माइनस 1। क्यों, चुटकी बजा के नहीं हल हो गया? ए का मान लेकिन नहीं निकाला हमें, तो ये का मान निकाला, कोई बात नहीं। ई के स्थान पर ई है, माइनस के स्थान पर माइनस है, और ए बटा आर टी का मान निकालना है ना, तो आगे देखते हैं। देखो तो ए बाई आर टी के जगह पर क्या है इसमें, ये है, यहाँ पर ए बटा आर टी है, और उसके जगह पर ये 2@0:0:0 के बाई टी। मजा आ गया देख के, ये टी को काट दिए। ए इक्वल टू 2@0:0 इंटू आर, आर का मान रख दीजिए 8.314 जूल पर केल्विन पर मिल, यही ना होता है, तो वैल्यू आर का रख दीजिए, रख दो। ऐसा मत बोलो भाई कि सारा काम हम करते रहें, आर का मान रख दिए 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। आप में से बहुत लोग सोच रहे कि इसको हल कर दें, नहीं यार खूना भाग करना है, तुम करो, तुम करके देखो कि कितना आता है। वैसे मैं बता दूं कि जब इसको हल करोगे तो आ जाएगा ये 232.79 सात के आसपास आता है, 79 किलो जूल, किलो बदल दिया जूल पर मोल, यही आपका किलो जूल पर मोल हो जाएगा, 232.79 किलो जूल पर मोल, 7-7 या 7-8 के आसपास आना चाहिए, उन्हें करके आप देख लेंगे। तो ये हो गया आपका अरहेनियस का कंसेप्ट। अब आपको मैं बताऊं कि अगर आप थोड़े से इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 26 था, कि आपने 27 बनाया, ट्राई किया 28, ट्राई किया 29, 30, मज़ा आ जाएगा आपको इसको हल करके। सारा ही क्वेश्चन इसी पर आधारित है और सब हल होगा, हाँ कोई चुटकी बजा के होगा, थोड़ा सा चुटकी भी ना बजाया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन सवालों को हल करेंगे, ये आपके लिए ACW मैंने दे दिया, और फिर हमारी और आपकी भेंट होगी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखना, चारों तरफ समस्या ही समस्या है कोरोना के रूप में, लेकिन कोरोना से घबराना नहीं है हम लोगों को, फाइट करना है, मन से मजबूत हो जाओ, बाकी उस बैक्टीरिया में इतना दम नहीं है और वायरस में किसी के कि आपको नुकसान पहुँचाए। तो फिर हमारी और आपकी भेंटेगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखना, बहुत बहुत ख्याल रखना।